हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल कुक विद वीना में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे आम की चटनी। कच्चे आम की चटनी बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड, और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड, से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को फ्रेंड पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये मैंने दो बड़े कच्चे आम ले लिया है, उसे देखिए मैंने ऐसे टुकड़ों में कटिंग कर लिया है। इसे आप पहले छील लीजिए, फिर इसे आप कटिंग कर लीजिए। और ये जो लहसुन ले लिया है मैंने, 10-12 लहसुन की कलियां हैं, इसे मैंने छील लिया है। और ये मिर्ची ले लिया है, मिर्ची को आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड। अगर ज़्यादा तीखा खाते थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो जितना आपको डालना है वो आपके अनुसार है। आप चाहो तो इसमें लाल सूखी लाल मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने लिया है, ये धनिया पत्ती है और ये पुदीना पत्ती है, इसे भी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए फ्रेंड। जैसे बाजार में एक गड्डी मिलता है, इसमें एक गड्डी पुदीना पत्ती और एक गड्डी धनिया ले लिया है। इसको भी आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले फ्रेंड हम सभी को मिक्सी में लेके ग्राइंड कर लेंगे। मैंने एक जार ले लिया है, इसमें मैं कटे हुए अपना ये आम को डाल दूँगी, और लहसुन, और ये जो पुदीना पत्ती जो हमने लिया है उसे, और धनिया पत्ती को, और हरी मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये आम का चटनी जो बहुत टेस्टी लगता है, पुदीना पत्ती डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आप ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने ग्राइंड किया है, अभी ये देखिए दरदरा है। अब इसे और हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तभी आप पानी डालिए, वरना इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए अब ये बारीक पेस्ट बन गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा ये बनके तैयार है आम की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं, आप किसी भी पकवान के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। तो कितना